की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। इरादे मजबूत हैं, 15 साल सबूत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी का यही नारा है, जिसको लेकर सपा जनता से वोट मांग रही है। शहीद नगर वार्ड 90 से रुखसाना मलिक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। इस वार्ड पर 15 साल पति आदिल मलिक पार्षद रहे। आदिल मलिक की माने तो उन्होंने 15 साल में बहुत विकास कार्य किए हैं। अब उनका सपना है कि उनकी पत्नी को जनता विजयी बनाती है, तो इस वार्ड को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। देखिए, विकास की रफ्तार तो इस बात का साबित करती है, इस बात को कि मुझे कंटिन्यू जनता ने 15 साल दिए। लेकिन इस बार जो है, जो हमारी वाइफ लड़ रही है आज चुनाव, मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों को और जनता को कि विकास में और तेजी आएगी, क्योंकि हम जो इस वार्ड को मॉडर्न वार्ड बनाना चाहते हैं। यहाँ मॉडर्न सिस्टम लगाएंगे, मॉडर्न तरीके से यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मॉडर्न तरीके से एम्बुलेंस देंगे, मॉडर्न तरीके से यहाँ ऑनलाइन के लिए एक सिस्टम लगवा के, लैपटॉप कंप्यूटर लगवा के लोगों की समस्या, राशन कार्ड, पेंशन, विधवा पेंशन और जो भी जन सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ हम जो है अब ऑनलाइन के लिए अपने यहाँ पर्सनल एक सिस्टम लगा के लोगों को और अच्छे तरीके से सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जीडीए से बड़ी जंग लड़नी पड़ती है और नगर निगम में बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। वहाँ पे क्या होता है, नए आदमी को तो बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन हम पुराने हो गए, जनता के प्यार से हम 3 बार जीते हैं, तो वहाँ जो अधिकारी हैं वो अनुद्राज कॉलोनी में विकास करने में बड़ी परेशानी करते हैं, लेकिन हमारे सामने इसलिए दिक्कत नहीं आती है कि हम नगर निगम में टॉप 10 पार्षदों में कहलाए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम अधिकारियों के अपने हमारे आपसी संबंध भी हैं, व्यवहार भी हैं और अधिकारी हमें जानते हैं कि ये किसी है। पिछली बार मेरी सरकार में पिछली बार बीएसपी से था और अब मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ। मैं 5 साल पहले भी उस विपक्ष में था, जब मैंने यहाँ इतने विकास कार्यक्रम लगभग 20 करोड़ रुपये के 5 साल में विकास कार्यक्रम, जो एक सांसद निधि के बराबर होता है, और अब भी मुझे यकीन और विश्वास है अधिकारी और जनता के लोग, अगर मतलब जनता के लोग मुझे चुन के भेजते हैं तो मैं अधिकारियों से अपने तरीके से अपनी जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा और 20 करोड़ की 25 करोड़ के विकास कार्य करूंगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदिल मलिक जिंदाबाद, रुखसाना मलिक जिंदाबाद के नारे लगाते हाथों में झंडे के साथ साइकिल निशान रुखसाना मलिक का प्रचार कर रहे हैं। जनता को पिछले 15 सालों के कामों का वादा देकर पत्नी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की माने तो वे आदिल मलिक के कामों से काफी खुश हैं और इस बार उनकी पत्नी को वोट देकर विजयी बनाना चाहते हैं। चुनाव तो सभी लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने अपनी वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें आदिल जी को वोट देने चाहिए, क्योंकि 15 साल से हमारे यहाँ सेवा करते आ रहे हैं और जितनी सेवा आदिल जी ने हमारी करी है कोई कर नहीं सकता। कहने को लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे करेंगे, लेकिन जो आदिल जी हमारा सम्मान करते हैं, आधी रात को फ़ोन करो आ जाते, हमारे एक एक रोड बना हुआ है, एक एक नाली बनी हुई है, फुल विकास है, जो हम कहते हैं वो हो जाता है। ये लग रहा है 15 साल से ही हो रहे हैं, अगर हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, काम बढ़िया करते हैं, कोई भी इनके पास पहुँचता है उनकी सुनते हैं। चुनाव हमारा वार्ड नंबर 90 का है, इसके अंदर पिछले 15 सालों से आदिल मलिक साहब ही पार्षद बन रहे हैं, हम अपने विकास के ऊपर विकास बेहतरीन करवाते हैं। इस बार इतने तगड़े बहुमत से जीत रहे हैं वो, ये काफी समाज के लोगों के साथ में समर्थन है। अभी परसों मीटिंग के अंदर होकर हमारे मीर समाज का बहुत बड़ा उनके साथ में योगदान हुआ। शहीद नगर में करीब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 1 दिसंबर को जनता किसके सर पर सेहरा बांधती है। संदीप कुमार, तेज निगाहें।